प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास नवनिर्मित महाकाल लोक का लोकार्पण किया। यहां उन्होंने रिमोट द्वारा रक्षा सूत्र से बने शिवलिंग से पर्दा हटाया। उज्जैन आते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने षोड़ चोपचार पूजन किया और फिर गर्भगृह में भी बैठकर जाप किया। इसके बाद बाहर नंदी जी के पास बैठकर प्रार्थना की। कार्तिक मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा का संबोधन हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के साथ किया। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से मुक्त है। इसी कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर ने महाकाल गान की प्रस्तुति दी। महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य प्रांगण, जहां पर प्रधानमंत्री सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा धारण करने के बाद मंदिर के मुख्य VVIP द्वार से श्री महाकालेश्वर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हुए और उनके साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उज्जैन की नगरी जिसे अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवंती, स्वर्ण श्रृंगा, अमरावती अनेक नामों से पहचाना जाता है, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्।
उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं, अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र सात पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां हैं और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।